अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे वक्त के अंदर बरकत नहीं रही। हम परेशान रहते हैं कि काम ज़्यादा हैं करने वाले और हमारा वक्त कम है। आज के दौर में हम सब की यही ख्वाहिश है कि हम कम से कम वक्त में अपने काम निपटा लें या हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें। तो आज के दौर में हर बंदा इतना मसरूफ़ है कि उसको अपने ज़ात के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम वक्त के अंदर अपने सारे काम निपटा लें। हमें चंद दिनों में ही एहसास होने लग जाता है कि वक्त तो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़यामत के नज़दीक क़ुर्बे क़यामत साल इस तरह गुजरेंगे जैसे महीने गुजरते हैं, और महीने इस तरह गुजरेंगे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, और हफ्ते इस तरह तुम्हारे गुजरेंगे जैसे दिन गुजरते हैं, और दिन घंटों की तरह और घंटे मिनटों की तरह और मिनट सेकंड्स की तरह गुजरेंगे। आज यही हाल है, हर वक्त गहमा गहमी अफरा तफरी। और आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं ऐसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करूँगा, और आज का ये टॉपिक है कि कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो कुरान मजीद की तिलावत के आगाज़ के लिए तजवीद कुरान में 20 किस्में मौजूद हैं, और हम अगर बिगिनर हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, तो हम कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इब्तिदा की इकसाम यानी तिलावत के आगाज़ की मेन जो किस्में हैं वो तीन हैं। इब्तिदाए तिलावत, इब्तिदाए सूरत, यानी कि आप कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ कर रहे हैं। आपने अभी कुरान मजीद खोला है, आप तिलावत स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी ये किस्म है कि आपने तिलावत शुरू करनी है सूरह के शुरू से। मसलन मिसाल के तौर पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने तिलावत का आगाज़ किया है सूरह फातिहा के शुरू से, मतलब सूरह के आगाज़ से। एक तो किस्म ये है। दूसरी किस्म है इब्तिदाए तिलावत दरमियाने सूरत, यानी कि आप तिलावत शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन सूरह का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, किसी भी सूरह के दरमियान से पढ़ रहे हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपने कुरान मजीद खोला तिलावत करने के लिए, और आपने दूसरे सिपारे से स्टार्ट करना जो कि सूरह बकरा के मिड में आती है, तो पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक वल मग़रिब। और तीसरी किस्म है अब इब्तिदाए सूरत दरमियाने तिलावत, यानी कि आप तिलावत कर रहे हैं और आपकी तिलावत करते करते एक सूरह कंप्लीट हुई है और दूसरी सूरह स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिरातल्लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल्लिल मुत्तकीन। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने सूरह फातिहा के आखिरी आयात तिलावत की और उसके बाद मैंने सूरह बकरा को स्टार्ट कर दिया। तो ये है इब्तिदाए सूरत दरमियाने तिलावत, यानी कि तिलावत करते करते आपने दूसरी सूरह का आगाज़ कर दिया। तो ये मेन तो बेसिक तो तीन किस्में हैं। अब इनकी आगे
कुछ जायज़ और नाजायज़ सूरतें हैं कि आप इस तरह तिलावत करेंगे तो जायज़ सूरत है, इस तरह करेंगे तो नाजायज़ है। इन सब को मैंने आपके सामने एक चार्ट की सूरत में लिख दिया है ओवरव्यू देने के लिए। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं इन सब की डिटेल आपको बताऊँ, इनको डिफ़ाइन करूँ, तो आप नीचे कमेंट के अंदर मुझे बोल सकते हैं, तो मैं फिर इंशाल्लाह इसके लिए आपको एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि इन तीनों किस्मों में मुख्तलिफ इकसाम के साथ आप तिलावत का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि सूरह तौबा कुरान मजीद के अंदर 10वें सिपारे में सूरह तौबा आती है, उस सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, और इसीलिए हम उस सूरह के आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के भी, सूरह तौबा को पढ़ने के लिए भी तीन अलग किस्में हैं, फसल, सकता और वसल है। फसल का बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अलग करके पढ़ना, और वसल का मतलब होता है कि मिलाकर पढ़ना। तावुज़ और बिस्मिल्लाह को सूरह की आयतों के साथ कहाँ मिलाकर पढ़ना है और कहाँ मिलाकर नहीं पढ़ना, ये सब के लिए अलग से डिस्कशन है। तो फ़िलहाल मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आप सूरह का आगाज़ करने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं, आप तजवीद के कवानीन नहीं जानते और आप चाहते हैं कि आप तिलावत का आगाज़ कर दें, तो मैं आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। मैं आपको इन सब चीज़ों का शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप फ़ायदा हासिल करेंगे और आपको सवाब भी मिलेगा और आपको गुनाह के मुर्तकिब भी नहीं होंगे। जी दोस्तों, तो अब मैं आपके साथ तजवीद के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत का आगाज़ करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आपके सब मसले हल हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि कुरान मजीद की तिलावत के आगाज़ के लिए किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो किस्म थी इब्तदाए तिलावत, इब्तदाए सूरत, यानी कि आप कुरान मजीद आपने खोला, आपने सूरह के आगाज़ से ही तिलावत का स्टार्ट करना है। उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तावुज़ और बिस्मिल्लाह, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम और बिस्मिल्लाह। आपने सूरह के आगाज़ से जब तिलावत करनी है तो दोनों पढ़ने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैंने सूरह फातिहा का आगाज़ अपने तिलावत के आगाज़ से किया, तो मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम भी पढ़ी और बिस्मिल्लाह भी पढ़ी और सूरह फातिहा का आगाज़ भी कर दिया। तो दूसरी किस्म है इब्तदाए तिलावत, दरमियाने सूरत, यानी कि आप सूरह के दरमियान से तिलावत का आगाज़ कर रहे हैं, सूरह के आगाज़ से नहीं। तो इसके लिए भी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, आप पढ़ेंगे तावुज़ भी पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सयकूलुस सुफहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। तो तीसरी किस्म है इब्तदाए सूरत, दरमियाने तिलावत, यानी कि आप तिलावत कर रहे हैं, तिलावत करते करते एक सूरह का एंड हुआ और दूसरी सूरह का आगाज़ आपने करना है, शुरू करना है दूसरी सूरह को, तो उसके लिए आपके लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلِفْ لَام مِيم। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने सूरह फातिहा तिलावत में कर रहा था, सूरह फातिहा की आखिरी आयत के साथ मैंने सूरह बकरा का स्टार्ट किया सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ। तो आज का सबक सिर्फ इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह, और आपको इस शॉर्टकट की भी समझ आ गई होगी कि आपको वो 20 के 20 रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इन्हीं कवानीन को याद रखें कि किस तरह आपने स्टार्ट करना है तिलावत का और उस वक़्त आपने क्या पढ़ना है, तो आपको
पूरा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह, और आप इसी चीज़ को आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि मज़ीद लोगों को भी फ़ायदा हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।